हुक्मरानी करे, मगर किंजा भूल गई। जबरदस्ती हुक्मरानी से इंसान अपनी इज्जत खो देता है। दूसरी तरफ सुहेल को अंदाजा हो गया है कि वो सोनिया को किंजा के सामने नहीं लेकर जा सकता, वरना उसे मार ही डालेगी। इसी डर की वजह से सुहेल अब किंजा की झूठी तारीफें भी करता रहता है। मगर सुहेल सोनिया को भी कब तक रोकेगा? सोनिया को पता है ऐसे छुप छुप कर रहने से उसे कुछ हासिल नहीं होगा। किंजा से बदला लेने और उस घर में हिस्सा लेने के लिए उसे सबके सामने जाना होगा और किंजा को भी बताना होगा कि वो सुहेल की बीवी है। इसीलिए सुहेल को अब सोनिया की बात माननी पड़ेगी। किंजा को सुहेल की शादी का पता चलेगा तब वो सोनिया को थप्पड़ मारने और घर से निकालने की कोशिश करेगी। सुहेल को ब्लैकमेल करेगी, अगर ये लड़की इस घर में रही तो मैं नहीं रहूंगी। मगर अब किंजा कुछ भी कर ले, सुहेल सिर्फ सोनिया की बात ही सुनेगा, जबकि सोनिया भी अपनी एक एक बात का बदला लेगी और किंजा का एक एक झूठ तैमूर को भी बताएगी कि कैसे वो सबको बेवकूफ बनाती आई है। बाकी रही सही कसर अब जारा पूरी कर देगी, जब वो बताएगी कि कैसे आपकी भाभी ने हम दोनों की शादी नहीं होने दी, ये सारा कुछ एक प्लान था। जारा ये सब कुछ मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेगी जब किंजा जारा को नीचा दिखाने के लिए खुद इकरार जुर्म कर रही होगी, और फिर वो ऑडियो तैमूर को सुना देगी। कौन कौन किंजा का पूरा इंजाम देखना चाहता है कमेंट में लाजमी बताइएगा। और मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुँचता रहे।